आज हम सब जो कांग्रेस में हैं, हमारा एक अंतिम और लक्ष्य यही होना चाहिए कि कैसे हम कांग्रेस की सरकार बनाएं। हम लोगों को बहुत कुछ पार्टी नहीं है, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ। जो आज नेता हैं बहुत बड़े बड़े, उनको प्रदेश और देश में जो स्थान मिला है वो पार्टी की बदौलत मिला है, और पार्टी को किसी प्रकार से नुकसान ना हो, जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, जनता चाहती है कि पार्टी की सरकार बने, उसमें सब लोगों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हम जैसे लोगों को बहुत अवसर मिले हैं। मैंने कहा, मैं सांसद बन गया था 26 साल की उम्र में, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया था, फिर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने मुझे एक मंत्री बनाया केंद्र में, 31 साल का मैं तब था, और 35 साल की उम्र में इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, हम मात्र 21 सीट जीत कर आए थे। मेरे को लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक इतनी कम सीटें कांग्रेस की नहीं आई, तो ऐसे कठिन चुनौतीपूर्ण समय में मुझमें विश्वास जताया। ये भी मैं पार्टी का ये बड़प्पन मानता हूँ कि और भी बहुत नेता थे जो बड़े पदों पर रह चुके थे, उनमें ना विश्वास जताते हुए राहुल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो उसको तो मुझे पूरी तरह निर्वहन करना है। रास्ते में कितने भी अटकने आए, कितनी भी चुनौती आए, लेकिन मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो कांग्रेस ने मुझे भरोसा जताया है, उस भरोसे का मुझे पूरी तरह निर्वहन करना है। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, पूरी पार्टी को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक नेता की नहीं है। 130 साल से कांग्रेस पार्टी अपना खून पसीना बहा के देश में राजनीति कर रही है, आगे लोगों को लेकर जा रही है, तो सब नेताओं का सामूहिक योगदान रहा, सब लोगों ने मिलकर काम किया। इसीलिए आज मुझे गर्व है कहते हुए अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी पार्टी आज न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रही है, कि उनको पराजय देने में भी पूरी तरह सक्षम हो चुकी है।